गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता पहले से ही तैयार कर दिया है नाजली मैडम ने। क्यों भाई नाजली इतनी जल्दी उठ गई? सोचा कि जाने से पहले अपनी दोस्त को अपने हाथ का नाश्ता कराऊं। मेरी जान, ओ आसुमन गुड मॉर्निंग। चलो भाई आसुमन भी घर आ ही गई। खुशामदीन मेरी बहन। क्या हालत बनाई हुई है? सारी रात क्लब में बैठकर क्या हरकतें करती रही हो जो ये हालत हो गई है तुम्हारी? हाँ फरीद सर से बात करने गई थी। क्या कहा? बस यही कहा कि जो कुछ भी किया था वो मैंने किया था, उसमें मेरी आपा का कोई कसूर नहीं था। हर बात सच सच बता दी है, असल गुनहगार कौन है ये भी बता दिया है। मैंने बता दिया है कि आपने जो कुछ भी किया वो सब मेरी वजह से किया है। पूरी कोशिश की है कि मैं उन्हें यकीन दिला सकूं कि ये सब मैंने किया है। क्या? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं कहा, फिर वो चले गए। बिल्कुल जाएगा आसुमान यार, ये मसला इतनी आसानी से हल होने वाला थोड़ी है। लेकिन जो भी है मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है। हमारे बीच खुश आमदीद आसुमान, इतने सालों से हम अपना दर्द तुम्हें नहीं बता सके। आपा, तुम्हारा सामान सूटकेस में रख दिया है, देख लो कोई चीज रह तो नहीं गई है, रह गई है तो रख लो, बस नहीं छूटनी चाहिए। क्या ये क्या कह रही है? इस महीने के आखिर में हम दूसरे फेज पर जाने का इरादा कर रहे हैं सर, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, आप प्लान को फॉलो करते रहें। मौसम की तब्दीली से पहले हमें जरूरी कामों को पूरा करना है। ठीक है सर। तो आज आप मैदान में हैं। कभी कभी ये भी जरूरी है, और ऑफिस के काम से ज्यादा मजेदार है ये। तो ये तुम्हारा स्टेज है? हाँ ऐसा ही है, लेकिन हम गाना नहीं गाते, काम करते हैं। वाह, प्रोजेक्ट लीडर फरीद साहब, लेकिन तुम्हारा पिछला प्रोजेक्ट बिगड़ गया था, सुना है तुम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हो। हर प्रोजेक्ट में ना दिखने वाले रिस्क होते हैं, ऐसी है जिंदगी, हम कभी कामयाब होते हैं तो कभी नहीं होते। जैसे कि तुम्हारा वो गाना बहुत पसंद नहीं किया गया शायद, पहले तुम्हारे गाने इधर उधर से सुन लिया करता था, लेकिन ये वाला तो गायब ही हो गया बिल्कुल। नहीं, हालात तो मैं छुपा रहा हूं, जब वक्त आएगा तो देख लोगे। आखिर कब आएगा वो वक्त तुम्हारा डैनिस? मैं दोबारा अपनी मौसीकी की आमद का इंतजार कर रहा हूं। गाड़ी आ गई है, चलो। करूंगी बहुत, अपना ख्याल रखना, ठीक है? तुम जानती हो कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि सब ठीक कर सकूं। ये वाला बैग है? जी हाँ यही है, ये मैं उठा लेती हूँ। इधर देखो, वहां पर अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? और बाद में जब आओ। बात की हम बाद में सोचेंगे, अभी नहीं। ठीक है, लेकिन सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, ये भूलना मत तुम। मुझे यकीन है, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं मिस करूंगी तुम्हें।
मैं पहुंच कर कॉल करती हूँ। ठीक है, जरूर फोन करना। अल्लाह तुम्हें खैरियत से लेकर जाए मेरी दोस्त। रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला हतमी है क्या? अब तुम भी कहोगे कि मैंने गलत किया है। नहीं, तुम्हारा अपना फैसला है। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट्स के शेयर मुझे भेज दो। पहले बार और अब रेस्टोरेंट, तुम्हारे जैसे एक म्यूजिशियन के लिए क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? असल में ज्यादा जरूरत की चीज यही है, मैं जरा डिसिप्लिन चाहता हूँ। सिर्फ यही वजह है क्या? नहीं, असल वजह तो कुछ और है। क्या वजह है? मैं अच्छा पकवान चाहता हूँ। नाजली से मेरी अच्छी बनती है, हमारी सोच भी मिलती है, लगता है हम अच्छे पार्टनर बनेंगे। हाँ तो क्या कहते हो, बेचोगे अपना शेयर? हेलो फतोश। हेलो डेनिस। नाजली और आसुमन यहाँ से चले गए हैं, घर एकदम खाली हो गया है, मैं अकेली यहाँ पर रुकी हुई हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ठीक है फतोश, परेशान मत हो तुम। कहाँ के लिए निकले वो लोग? अंताकिया। हाँ ठीक है, अभी कहाँ है पता है तुम्हें? चलो ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है नाजली, आसुमन को लेकर अंताकिया जा रही है। रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। लोगों के सपनों से खेलते हो और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाँ मगर तुम्हें क्या पता, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं, समझाने की कोशिश करूंगा उसे। बाजी आप खुशकिस्मत हैं, रास्ता बिल्कुल साफ है। मुझे डर था कहीं हम लेट ना हो जाएं। जिसने भी खबर दी थी उसने फोन यहीं से किया था भाई। तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? यकीनन भाई, ये पक्की खबर है। सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन फोन यहीं से किया गया था। ये बंद है, जाओ आगे पीछे थोड़ा पूछो, यहाँ कैमरा होगा तो हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है भाई, इस साइड हम देखते हैं, कुछ करते हैं। देखो हमें खबर देने वाली डैमेज मैम तो नहीं है ना, या फिर कोई दूसरा है? माफ करना भाई, माफ करना, बहुत माजरत, बहुत माजरत। आ जाओ सीट खाली है, सीट खाली है, आ जाओ सीट खाली है। माफ कीजिएगा, आ जाओ माजरत, सीट खाली है, सीट खाली है। यहाँ वो थी, वो क्या कहते हैं उसको, वो अंताकिया जाने वाली बस जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आ जाओ सीट खाली है, सीट खाली है, सीट खाली है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैप्टन, कैप्टन नाजले, कैप्टन भाई साहब बात सुनिएगा मेरी। नाजले
डेनिस, कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया था। तुम्हारा इस बस में क्या काम है आखिर, बताओ मुझे। मैं आती हूँ अभी। डेनिस, मैं जा रही हूँ। दिख रहा है, लेकिन क्यों? जिस तरह फरीद ने अपनी पार्टनरशिप से मुंह मोड़ा है, क्या तुम अपने ख्वाबों से भी मुंह मोड़ लोगी? तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या डेनिस? तुम्हें ऐसा लगता है कि फरीद ने पार्टनरशिप तोड़ दी तो क्या मैं अपनी ड्रीम को छोड़ दूंगी? मैंने नहीं छोड़ा है, मुझे उसे टालना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है टालना जरूरी था। मैं बहुत थक गई हूँ डेनिस, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है। आसुमान ने जो किया उसकी वजह से बलूद दैमित के पास चला गया है, और फरीद। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बलूद की हालत की तुम डायरेक्ट जिम्मेदार नहीं हो, और हम सबकी नजर बलूद पर है। स्कूल खुलने वाले हैं, वो अपना ज्यादातर टाइम स्कूल में बिताएगा। अगर स्कूल से निकलेगा तो मेरे पास आएगा, बिल्कुल मेरे पास आएगा वो। जो होने वाला है उसकी कोई अहमियत नहीं है अब। बलूद का दैमित के पास रहना उसकी जिंदगी पर कैसा असर डालेगा ये मैं नहीं कह सकती। शायद उसको एकदम डिफरेंट बना दे। आसुमान की गलती की वजह से, हकान की हिरस, कानून की गलती, वकीलों की बहस, पूरी दुनिया का बोझ तुम क्या अपने सर पर लोगी? हाँ बताओ मुझे, प्लीज अपने साथ ऐसा मत करो। मैं जाना चाहती हूँ डेनिस, मुझे लगता है कि मेरा जाना जरूरी है। थोड़ा रिलैक्स करूंगी, सोचूंगी, आराम करूंगी, और एक साल बहुत लंबा वक्त भी नहीं है। नहीं, एक साल बहुत ज्यादा लंबा वक्त है। तुम नहीं जा सकती, ऐसा सुनहरा वक्त तुम खो नहीं सकती। काम करो अपने, ये जरूरी तो नहीं कि तुम फरीद के पास ही काम करो। एक रेस्टोरेंट ढूंढ लेंगे हम जहां तुम काम कर सको। प्लीज खुद से पीछे मत हटो तुम, प्लीज। आइए। मिसेज इकबाल, इस मीटिंग के नोट्स में कुछ कमी है। हाँ, और वो कमी यहाँ है, मेरे पास गलती से आ गया था। क्या चाहिए दैमित? कुछ भी नहीं, इकबाल मैम से मीटिंग के नोट के बारे में बात की थी, और उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे रूम में आ गई फरीद। वजह? हम दोनों एक ही छत के नीचे काम करते हैं फरीद, और साथ ही बुलुद की केयर भी करते हैं। मैं अब तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ, अब सुलह कर लेते हैं प्लीज। बुलुद की बात करते हैं, आज उसे स्कूल से मैं लेकर आऊंगा। बिल्कुल तुम ला सकते हो, ये तो अच्छा है, और बुलुद भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा है आजकल। ग्रेट। मैं काम कर रहा हूँ, तुम जा सकती हो। अच्छे से करना। खुद से पीछे ना हटने के लिए मेरा जाना जरूरी है, तुम्हें तो मुझे समझना चाहिए डेनिस। मैं अभी इससे दूर रहना चाहती हूँ, खुद को वक्त देना चाहती हूँ। मुझे इस वक्त की जरूरत है, मुझे समझो। तुम नहीं समझोगे तो कौन? देखो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, और तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, देख लो यहाँ भी हूँ, लेकिन किसी और की सजा तुम अपने आप को मत दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। मैम प्लीज अंदर आ जाए, हमें जाना होगा। आ रही हूँ, मुझे और कोई रास्ता नहीं पता डेनिस। शुक्रिया तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए। नाजली मत जाओ, मेरा जाना जरूरी है डेनिस, अपना ख्याल रखना। हकान भाई। हाँ क्या हुआ भाई? कोई तस्वीर नहीं मिली यहाँ, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं यार।
भाई वो सामने एक ही साइड पर कैमरा है, वो भी एक हफ्ते से खराब है। क्या एक हफ्ते से खराब है? तुम्हें कुछ पागल बनाएगा बन जाओगे। भाई ऐसी बात नहीं है, चेक किए बगैर मैं कैसे आ सकता हूँ। अजीब चीज है यार, बहुत अजीब है। चलो चलो चलते हैं। बेटा पानी पिलाओ थोड़ा। डेनिस भाई आपका एडिटर ने फोन किया है। बाद में बेटा बाद में। ओके बाद में। डेनिस ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? गई नाजली गई। कैसे क्यों मैं समझी नहीं, हुआ क्या है? गई वो अंता क्या गई? फरीद के रेस्टोरेंट बंद करते ही। क्या वो रेस्टोरेंट फरीद ने बंद करवाया है? हाँ कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं उलझूंगी और मैं वापस जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुमसे ही किसने कहा है? हो सकता है तुम्हें भी कोई गलतफहमी हुई हो। फतोश ने बताया, मैंने भी पूरी कोशिश की उसको समझाने की पर ऐसे अचानक से जाना बहुत अजीब बात लग रही है ना? हाँ ठीक कहा, बिल्कुल अचानक, बिल्कुल अचानक। मुझे भी समझ नहीं आया। लगता है मुझे फतोश से बात करनी होगी। आलिया चलो शुरू करते हैं। ठीक है आती हूँ, पहले मैं फतोश से बात कर लूँ फिर मिलते हैं। कैसी हो मनामी? नाजली क्या तुम निकल गई हो? हाँ हम निकल गए हैं, पहुँच कर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो, फरीद ने अपने वकील से खबर भेजी है। अब क्या कह रहा है वो? अपना फैसला बदल दिया है, रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा। उसने कहा है आप काम जारी रखें। उसने कहा कि हम वापस ओपन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो वापस आओ। मनामी मुझे ये खबर सुन के अच्छा लगा, लेकिन मैं होटल बंद होने की वजह से नहीं जा रही। मुझे नहीं लगता कि अब मुझसे ये काम होगा। नाजली एक रेस्टोरेंट के मालिक होने का ख्वाब मेरा भी है। फरीद साहब की ये खबर सुनकर मैंने भी ओके कर दिया। अब हमारा रेस्टोरेंट दोबारा खुल जाएगा। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मनामी तुम बहुत सही कह रही हो, कहना भी चाहिए, तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मैं। लेकिन देखो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मेरे लिए इस वक्त यही अच्छा है। मैं फिर स्टार्ट नहीं करना चाहती। लेकिन मैं किसी और को नहीं चाहती, मैं नाजली पार्टनर और नाजली शेफ को चाहती हूँ। हमें वापस जाना चाहिए। मनामी देखो सच में अगर लौट भी जाती हूँ तो अब मेरा फरीद के साथ काम करना मुमकिन नहीं। कम से कम लौट आओ, फेस टू फेस बात करेंगे। ऐसे अहम मौजू पर फोन से बात नहीं की जाती, प्लीज मेरे लिए। आपा चले 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 चले, अगर हम अंताकिया चले भी गए तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। हम इस्तांबुल में रह के सब कुछ ठीक कर सकते हैं, चले ना। ये वक्त वहाँ रहकर खुद को साबित करने का है आपा, हम इस तरह नहीं हार सकते। अब हमें वापस चलना चाहिए। तुम्हें लगता है जो तुमने किया है उसके बाद हमें माफ़ी मिल सकती है आसुमान? क्या उस गलती का अजाला कर सकते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। आप अपने ख्वाबों को यूं अधूरा नहीं छोड़ के जा सकती। तुम मुझे सपोर्ट करोगी क्या? क्यों नहीं करूंगी मैं आपा, मैं आपके हर काम, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ी हूँ आपा। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं अपनी बहन के लिए जरूर करूंगी, हर चीज करूंगी आपके लिए। ड्राइवर साहब रुक जाइए, हमें अभी यहीं उतरना है, यहीं रुकिएगा। चले मनामी। ठीक है मनामी, मैं आके तुमसे बात करती हूं, मेरा वहीं इंतजार करना। ठीक है मिलते हैं। जो मैंने सुना है वो सच है क्या? क्या सुना है तुमने? मिसेस इकबाल से बात हुई,
रेस्टोरेंट को बंद करने से पीछे हट गए हो, वकील से बात कर रही थी। सही सुना है। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से है। एंगन, मैं कुछ चीजें तुम्हें क्लियर कर दूं। मैंने रेस्टोरेंट खोलने का हुक्म सिर्फ और सिर्फ उस्मान आमी के लिए दिया है। नाज़ली को माफ नहीं किया मैंने। उसको माफ करना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अच्छा किया। चाय का मजा भी बर्बाद हो गया। मैं यहाँ पर अकेली ही रह गई हूँ बस। कसम से मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी यहाँ पर। प्लीज तुम अचानक से घर के अंदर आ जाओ ना नाज़ली। रुक जाओ ना, मत जाओ तुम। मैं मिन्नतें करती रही तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम उठकर चली गई यहाँ से। ऐसे करते हैं क्या? नाज़ली, तुम हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाय मेरी जान। फतोश, मेरी हिचकियां बन गई थी रो रो कर। तुम्हें डेनिस ने रोका ना? डेनिस ने नहीं मनाया। तो फिर तुम वापस कैसे आ गई, मुझे बताओ। तुम बताऊंगी फतोश, वादा करती हूँ, सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। हाय मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आज सुबह रात तुम्हें भी गले लगा लूँ मैं। हाय, तुम लोग वापस आ गए। अब तुम इसकी दोस्त बन गई हो क्या? बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे यकीन था तुम आओगी। आ गई मैं, लेकिन सही किया या नहीं ये नहीं पता। जो हुआ उससे बहुत डर गई हूं मैं। सही फैसला किया या नहीं ये नहीं पता। कम से कम एक दफा और सोचना चाहिए। फरीद साहब ने अपना माइंड क्यों चेंज कर दिया अचानक? उसने कहा वकीलों को लगता है कि माली लिहाज से ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो फरीद को लगा कि जज्बाती होकर सही फैसला नहीं किया है। मनामी, मैं ऐसे फोन पर बात करके नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप के अंदर जो हो सकता था तुम्हारे साथ नहीं फरीद के साथ। हमारे लिए वापसी है या नहीं मुझे नहीं पता। देखो, मैंने इसे बहुत पसंद किया। मेरे दोस्तों को आने दो, यहाँ तक कि जापान से मेरी फैमिली आए, मैं ये चाहती हूँ। ये मेरा ख्वाब भी है। लेकिन देखो, तुम्हारे ड्रीम के बीच में रुकावट बनने वाली थी, बस थोड़ा सा बच गई। मनामी, मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब पूरे होने का वक्त अभी नहीं आया। शायद तुम्हें खुद के लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहिए। मैं किसी दूसरे को नहीं चाहती नाज़ली, तुम मेरी जुबान से समझ जाती हो, मैं भी तुम्हारी जुबान से। ऐसा तुम नहीं कहती हो? अच्छे दोस्तों के लिए देखो नाज़ली, तुम कैसे किचन में काम करने का ख्वाब देखती हो? ये किचन देखकर तो दिल चाहता है कि अपने दोस्तों की दावत करूं। ये मेरी ख्वाहिश है नाज़ली। मैं चाहती हूं कि ये रेस्टोरेंट हमारा रेस्टोरेंट हो नाज़ली, प्लीज। बचपन से अपना रेस्टोरेंट खोलने का ख्वाब ही देखती आई हूं मैं हमेशा। एक छोटा सा प्यारा सा रेस्टोरेंट, खूबसूरत सा। बड़े होके गैस्ट्रोनॉमी की तालीम हासिल करने के बाद सोचा था कि अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगी जो बिल्कुल मेरी पसंद का हो। लेकिन इंसान के ख्वाब अक्सर ख्वाब ही रह जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। लेकिन क्या करें, इस मर्तबा बहुत करीब आ गई थी। नाज़ली, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें भी। अपने ख्वाब के इतने करीब पहुंचकर
जो काम शुरू किया है उसे खत्म करना जरूरी है। शायद अपने ऊपर इस शहर का सारा बोझ अंताकिया ले जाना चाहती थी। यहां रुककर प्रॉब्लम को जहां से शुरू किया वहीं खत्म करना ठीक था। तो फिर काम के बारे में क्या ख्याल है? हाँ वाकई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दुख में शरीक होने आई थी या खुशी में। मतलब सब अच्छा हो गया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब करने की वजह क्या थी। यार बहुत सही कहा तुमने आलिया, तुम यकीन नहीं करोगी कि मैं कितना परेशान हो गई थी इसके जाने से। बता नहीं सकती तुम्हें, मैं समझ ही नहीं सकी आसुमन को कितना समझाया था मैंने। तुम्हारा मतलब डेनिस ने मनाया है? नहीं नहीं किया। रेस्टोरेंट को वापस पाने का सुनते ही नाजली फौरन वापस आ गई और फरीद साहब भी पीछे हट गए हैं। अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आसुमान कहाँ है, वो क्या कर रही है? अपने कमरे में। आसुमान को भी एहसास है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और नादिम भी है वो इस बात पर। अच्छा है कि वो अपने कमरे में ही रहे, समझ गई है अब वो, आइंदा सोचेगी गलती करने पर। सही कहा, यानी इंसान अक्सर अपनी फीलिंग के चक्कर में दूसरे की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता। मैं अब चलती हूँ, शाम के प्रोग्राम के लिए तैयार होना है। अरे आलिया क्या बात हुई यार, तुमने तो चाय भी नहीं पी और उठकर जाने लगी यार तुम। क्या कर सकते हैं। हाँ तो क्या तुम्हें फिल्म पसंद आई? नहीं अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी, क्यों? बीच में बहुत स्लो हो गई थी, एक्साइटेड भी नहीं थी, कॉमेडी भी नहीं थी, बोरिंग थी। वैसे बुलुत पसंद तो मुझे भी नहीं आई। इसका मतलब कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो तुम्हें पसंद आए या तुम्हें अच्छा लगे। मिल गया, नाजली के पास चलते हैं रेस्टोरेंट में। कुछ दिनों पहले ही तो तुम उसकी ओपनिंग में गए थे। लेकिन उस वक्त मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था। और देखिए मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नाजली बहुत अच्छे खाने बनाती है, प्लीज मामू चलिए ना। चलो गाड़ी में बैठो, कुछ सोचते हैं रास्ते में। ठीक है। मनामी ठंड आ रही है, हमें सूप की और वैरायटीज भी ऐड करनी होंगी। रिवायती टेस्ट भी होगा और ईस्टर्न सूप भी। ठीक है। और मीठे में नाजली, जैसे ठंड में मैं बहुत मीठा खाती हूँ। सही कहा, मीठा भी बढ़ा देंगे। मीठा, आहा देखो तो, मीठे का नाम सुन के खिल गई। लगता है कि तुम एक मशरकी लड़की की खसूसियात है। नहीं, मुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है। मनामी तुम्हारे कल्चर को थोड़ा सर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम इसी शहर की हो, बाहर की नहीं। मैं आ गया। ओह, मेरा बच्चा आ गया। खुश आमदीद। चाचा आए हैं क्या तुम्हारे? नहीं, मामू। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भूख लगी है? बहुत भूख लगी है। ठीक है, जल्दी से जाकर हाथ धो, जल्दी आओ। रेस्टोरेंट को ना बंद करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपको फोन करने ही वाली थी। उसकी जरूरत नहीं है नाजली, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ऐसा मत सोचना। बुलुत बहुत जिद कर रहा था तभी मैं आ गया। एहसान है आपका। सोच रहे हो? मैं जानती हूँ तुम इस वक्त नाजली के बारे में ही सोच रहे होगे। ठीक है, पर दुखी मत हो, नाजली वापस आ गई है।
नहीं गई? हाँ वो वापस आ गई है। आलिया तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। डेनिस ऐसी बातों में मैं तुमसे मजाक नहीं करूंगी। मैंने कहा तो था ना फतोश से बात करूंगी। यही नहीं नाजली घर आने के बाद रेस्टोरेंट चली गई है। रेस्टोरेंट चली गई क्यों? क्योंकि फरीद ने रेस्टोरेंट को बंद कराने का फैसला बदल दिया है। जैसे ही मनामी को पता चला उसने फौरन फोन करके नाजली को इत्तला दी और नाजली आसुमान के साथ फौरन वापस आ गई। ये फरीद करना क्या चाहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कोई बच्चों का खेल है क्या? डेनिस तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो लड़की गई नहीं अब लौट आई है। अपनी बहन की वजह से अपने ड्रीम से पीछे नहीं हटी और क्या चाहिए। दिल रखने के लिए कह रही हो ऐसा है क्या? जानती थी सुन के खुश जरूर होगे। नहीं बोलो मैं नहीं खा रहा तुम खाओ। ठीक है। ये देखो मीठा लेके आई हूँ तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत पसंद आएगा। नाजली तुम भी हमारे साथ बैठ के खाओ ना। बुलूत मुझे कुछ काम है किचन में। यहाँ बैठ जाओ 5 मिनट के लिए। ठीक है सिर्फ 5 मिनट। ठीक है आइए। तुम पिक्चर्स ले रहे हो क्या? हाँ मैंने सेव कर लिया है 250 GB। करीब हो जाए। अरे जल्दी पास आए करीब हो जाए। क्लिक 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 करीब हो जाए। क्लिक 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 और करीब हो जाए। क्लिक 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 क्लिक। अरे मैंने कहा कि करीब हो जाए करीब हो जाए करीब हो जाए। हाँ क्लिक 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 स्माइल प्लीज। क्लिक 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 हा हा क्लिक 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 क्लिक। ये मेरी मेमोरी में सेफ है। चलो बोलो जल्दी खाना खाओ हमें घर भी जाना है देर हो रही है। खैरियत तो है क्या गुनाह की लिस्ट बना रही हो अपने? हाँ कुछ ऐसा ही है। यार इतना कागज काफी तो नहीं होगा तुम्हारे गुनाह की लिस्ट के लिए मैं अंदर से और लेकर आती हूँ। तुम्हारी संजीदगी की तो दाद देनी पड़ेगी फतोश। फरीद सर को ये बात जिसने भी बताई है इस लिस्ट में उन सबके नाम है जिन पर मुझे शक है। वाह भाई वाह दो मैं भी तो देखूं जरा। ये दैमित के नाम पे तुमने क्यों कट लगाया हुआ है? बाकी नामों पे तो कट नहीं लगाया हुआ। वक्ती तौर पर किया है। कह रही थी मैं ऐसा क्यों करूंगी इस काम से मेरा क्या फायदा होगा और तुमने यकीन भी कर लिया। वक्ती तौर पर उस पर यकीन करना होगा मुझे और मेरे शक के दायरे में सिर्फ दैमित नहीं है मैं बाकी लोगों पर भी फोकस कर रही हूँ कि ये काम किसने किया है। अच्छा है दिखाओ जरा पता तो चले कि कौन कौन है इस लिस्ट में। सबका नाम तुमने लिख दिया है क्या मकसद है यार इस सब काम का आसुमान? मेरा नाम क्यों लिख दिया है यहाँ पर? मैं तुम पर भला शक क्यों ना करूँ फतोश आखिर नाजली आपा की करीबी दोस्त हो तुम। देखो आसुमान कसम से तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है पागल हो गई हो क्या तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं नाजली की सबसे अच्छी दोस्त हूँ ये हरकत मैं करूँगी क्या? क्योंकि जब भी आपा ने कहा कि मैं फरीद सर को सब बता दूंगी तो तुमने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है। शायद तुम भूल गई हो कि मैं ही थी जो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी आसुमान। तुम क्या अपनी समझ बूझ खो बैठी हो यार पागल हो क्या तुम? पहले थी अब नहीं हूँ।
आ, जरा देखो तो उस लड़की को। आसुमन, आसुमन, कैसे पता फतोष, कैसे पता कि तुमने फरीद सर को कुछ नहीं कहा? आपा ने जब भी कहना चाहा नहीं कह सकी वो उनसे कुछ, क्योंकि आपा तो ये सब कुछ बताने में फरीद साहब को नाकाम हो गई, इसीलिए तुमने सोचा कि तुम ही जाकर ये काम कर दो, है ना? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं बताओ? आसुमन मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो खराब हो गया, मैं तुम्हारे बाल लोच के ना तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी। इधर लाओ, मेरे लाओ। बात सुनो फतोष, जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता मैं इस कागज से तुम्हारा नाम नहीं हटाने वाली, समझी तुम? लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम सबसे नीचे है। ओ, इस तरह तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था इस लिस्ट में। चलो दो मुझे ये। आए, फतोष, क्या कर रही हो यार? अरे ये तुम क्या कर रही हो यार? ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये बर्बाद करके रहती है, अजीब लड़की है। बहुत हो गई यार, तुम तो पागल हो गई, ऐसा करो कि बुलुत का नाम भी डाल दो, बल्कि नाजली का नाम भी डाल दो इसमें। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब बच्चा होने की वजह से उसे छोड़ तो नहीं सकते। आ, पागल लड़की यार, कैसी पागल हो गई है? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है फतोष। फिर आना, ठीक है? आऊंगा। मैं तुमको बहुत मिस करूंगी। फरीद, असल में हमें कुछ जरूरी बातें करनी है, काम के बारे में। तुम खुद ही कर लो, मुझे बीच में मत लेकर आओ। लेकिन एक मिनट, तुम अभी भी इस रेस्टोरेंट के पार्टनर हो, तुम्हारा आइडिया हमारे लिए बहुत अहम है ना नाजली? हाँ जी बिल्कुल, हमें एक बिजनेसमैन की जरूरत है, खास तौर पे एडवाइजेस लेने के लिए हमें कोई प्रोफेशनल चाहिए। एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है छोटी सी, क्या हम उससे सर्विसेज ले लें? किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, मुझे नहीं मालूम, कोशिश करके ही शायद हमें कुछ सीखने को मिले। चलो बोलो। लेकिन बहुत अच्छा सुनाकर चला गया है। मनामी चाचू। चाचू के भतीजे, क्या कर रहे हो तुम? ठीक हूँ, मेरा आज सबसे अच्छा दिन है शायद, जिनसे मैं प्यार करता हूँ सब लोग यहाँ हैं। कैसे हो डेनिस? ठीक हूँ, तुम? हम बस निकल रहे थे। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए बाद में आता हूँ। वादा है? पक्का वादा, बिल्कुल पक्का वादा। चलो फिर मिलते हैं। चलो फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं अंदर हूं। तो आखिर आप आ ही गए, सब कुछ सेट हो गया ना फिर से? दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है डेनिस, बहुत तेजी से। अंदर आ जाओ। वैसे आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया, कसम से इस हफ्ते में मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है, इस वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि तुमने सॉरी कर लिया। आज मूड ठीक था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बस मेकअप कर लेती हूँ। अच्छा किया। तो फिर इस खूबसूरत रात को सजाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कहती हो? क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया आपका। एंगिन, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है तुम पर और ज्यादा चमकेगी। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कितना खूबसूरत लग रहा है ये? नहीं, सच में बहुत अच्छी लग रही है। इतना चमकदार है, मैं तो बिल्कुल सितारों की तरह लग रही हूँगी ना, चमकीली चमकीली, है ना? मेरा यकीन करो, अच्छी लग रही हो तुम। क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, तुम्हें पता है मुझे आदत नहीं है सबकी। लेकिन फतोष और ज्यादा बड़ा है तो मुझे लगेगा तुम्हें पसंद नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे। शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है, बहुत खूबसूरत है ये। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ फतोष, कुछ दिन बाद आदी हो जाओगी, फिर तुम्हें अजीब नहीं लगेगा।